हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार एवं सभी का से केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। तो अपना लेसन चला था डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के तत्व, तो उनका कल अपने हो गया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो दूसरा पॉइंट है आज उनका परमाणु आकार। परमाणु आकार जिसे बोलते हैं परमाणु त्रिज्या, ठीक है, परमाणु आकार कह दीजिए, परमाणु त्रिज्या कह दीजिए, एक ही बात है, ठीक। तो जब हम बात करते हैं परमाणु आकार की, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी अपने जो सिलेबस में दे रखा है उसके तत्व परमाणु आकार की बात करें तो उसके परमाणु आकार में अधिक अंतर नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन अपना आता है क्या कारण है कि संक्रमण श्रेणी तत्व के परमाणु आकारों में अधिक अंतर नहीं पाया जाता है, उसका आंसर अपन मिलेगा इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो अपने बताया किसी तत्व का जो परमाणु का आकार है उसको निर्धारण करने के लिए दो बल कार्य करते हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा। एक तो होता है नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश, और दूसरा बल कार्य करता था परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव, ठीक है। ये दो बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। नाभिकीय आवेश परमाणु का आकार क्या करता है, कम करता है, घटाता है, छोटा करता है, जबकि परिरक्षण आकार क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक। ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसकी वजह से उस परमाणु का आकार का निर्धारण किया जाता है। अपना क्वेश्चन है कि परमाणु आकार में अधिक अंतर नहीं होता, उसका कारण दोनों बल कार्य करते हैं, नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव, ठीक है। तो कल अपने जनरल इलेक्ट्रॉन विन्यास में देखा था स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, एमएन, एफई, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास में अपन देखा था 3d1 4s2, 3d2 4s2, 3d3 4s2, 3d5 4s1, 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2 और कॉपर के अंदर 3d10 4s1 और जिंक के अंदर देखा था 3d10 4s2, ठीक है। तो प्रारंभ में नाभिक के आवेश का मान ज्यादा होता है परिरक्षण प्रभाव की तुलना में, इसे नाभिक आवेश का मान ज्यादा होने की वजह से बाह्यतम कक्षीय इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक तरफ खींचते हैं, सिकुड़ते हैं, जिस परमाणु का आकार सिकुड़ता है। परंतु जैसे जैसे डी कक्षीय में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, d1 d2 d3 5 6, जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, नाभिक के आवेश की तुलना में परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ता जाता है। तो पहले देखते हैं परिरक्षण प्रभाव होता क्या है। मान लीजिए अपना कोई परमाणु, ये इसको मान ले अपन 3d, इसको मान अपने 4s, ये ले रहा अपने 3d, ठीक है। तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन अपने, दो, तो प्रारंभ में डी में इलेक्ट्रॉन कितने, एक, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बीच क्या लगता है, प्रतिकर्षण। तो जो 3d के इलेक्ट्रॉन है या 4s के जो इलेक्ट्रॉन है उनको प्रतिकर्षित करते हैं, यानी बाहर की तरफ धकेलते हैं, इस प्रभाव को बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव। तो जब ये 3d कक्षीय इलेक्ट्रॉन को 4s के इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ धकेली तो बाह्यतम 4s के इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाएंगे, नाभिक से दूर जाएंगे परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। परंतु जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ने की वजह से नाभिक के अंदर किसकी संख्या बढ़ती है, प्रोटोन की, नाभिक के अंदर प्रोटोन की संख्या बढ़ने से नाभिक का आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन पर बढ़ जाता है, जिसे इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ खींचते हैं, यह परमाणु का आकार सिकुड़ता है, उस प्रभाव को बोलते हैं नाभिकीय आवेश, ठीक है। तो प्रारंभ में तो जो परिरक्षण प्रभाव होता है अपना, इसका मान नाभिक आवेश की तुलना में क्या होता है, कम लगता है, क्योंकि डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, ठीक है। तो प्रारंभ में कौन सा बल प्रभावी होता है, नाभिक आवेश, कौन सा बल कमजोर लगता है, परिरक्षण प्रभाव, ठीक है। तो प्रारंभ में तो नाभिक आवेश का मान कम लगने की वजह से परमाणु सिकुड़ता है, परमाणु का आकार सिकुड़ता है, परंतु जैसे जैसे डी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाती है, डी टू डी थ्री डी फोर डी फाइव डी, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है,
तो डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ने की वजह से ये जो 4s के इलेक्ट्रॉन उसको बाहर की तरफ धकेलते हैं, यानी परिक्षण प्रभाव का मान बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे परिक्षण प्रभाव का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। ठीक है, ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत है, एक तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक की तरफ खींच रहा है, कौन सा नाभिक क्या वेग, एक इलेक्ट्रॉन को नाभिक से दूर धकेला है, कौन सा परिक्षण प्रभाव, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो परिक्षण प्रभाव बढ़ेगा, परंतु एक बीच में स्थिति ऐसी आती है कि नाभिक के आवेश और परिक्षण प्रभाव दोनों बलों के मान बराबर हो जाने की वजह से परमाणु का आकार लगभग स्थिर हो जाता है। यही कारण है कि जो संकरण श्रेणी होती है प्रारंभ में परमाणु का आकार घटता है, बीच में जाकर स्थिर हो जाता है और अंत में जाकर धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, क्योंकि अंत में जाकर परिक्षण प्रभाव का मान नाभिक आवेश के मान की तुलना में बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। तो इसमें बात करें टोटल दोनों बलों की, तो दोनों बलों की तीन कंडीशन उत्पन्न होती है अपने, तो नंबर एक है उसमें नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश ग्रेटर देन परिरक्षण प्रभाव, नाभिकीय आवेश ग्रेटर देन परिक्षण प्रभाव, यानी प्रारंभ में नाभिक आवेश का मान परिक्षण प्रभाव की तुलना में ज्यादा होता है, इसलिए परमाणु का आकार सिकुड़ता है। बीच में आकर कंडीशन हो जाती है नाभिकीय आवेश बराबर परिरक्षण प्रभाव, यानी दोनों बल के मान बीच में क्या जो स्थिर हो जाते हैं, इसलिए परमाणु न सिकुड़ता और नहीं फैलता, परमाणु का आकार स्थिर हो जाता है। और कंडीशन नंबर तीन नाभिकीय आवेश लेस देन परिरक्षण प्रभाव, यानी अंत में जाकर परिरक्षण प्रभाव का मान नाभिक आवेश की तुलना में क्या हो जाता है, ज्यादा होता है, इसलिए परमाणु आकार बढ़ जाता है। ठीक है, तो तीन कंडीशन उत्पन्न होती है, इसी कारण इन दोनों बलों के मान में भी अधिक अंतर न होने की वजह से इसमें परमाणु आकार होता है, इसमें अधिक अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो था अपना परमाणु आकार, इसी से संबंधित एक छोटा सा दूसरा टॉपिक और चलता है अपना आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा होती क्या है, लेकिन हम पढ़ा होगा किसी भी विलगित उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको कहते हैं आयनन ऊर्जा। किसी विलगित उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को कहते हैं आयनन ऊर्जा, आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसे प्रदर्शित करते हैं आईपीसी। ठीक है, क्वेश्चन बनता है अपना यहाँ बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ कि प्रथम संकरण श्रेणी तत्वों के आयनन ऊर्जा के मानों में अधिक अंतर नहीं होता है, क्यों? उसका कारण भी यही है, क्योंकि प्रथम संकरण श्रेणी के तत्व उसके परमाणु आकारों में यानी परमाणु त्रिज्या के मानों में अधिक अंतर नहीं होता है, उनके परमाणु आकार लगभग बराबर होते हैं, इसकी वजह से उसके इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगभग बराबर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि उसकी आयनन ऊर्जा के मानों में अधिक अंतर नहीं होता है, और वो अंतर होता है सामान्य 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच इनके आयनन ऊर्जा के मान पाए जाते हैं। ठीक है, और एक इसमें जो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है तो क्रोमियम पर, और एक बनता है कॉपर पर। ठीक है, क्वेश्चन बनता है अपना एक क्रोमियम कॉपर, क्रोमियम है कॉपर की द्वितीयक आयनन ऊर्जा, द्वितीयक आयनन ऊर्जा अधिक होती है, कारण क्या है? उसका कारण यह है कि अपन जो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास आता है 3d5 4s1, और जो कॉपर का इलेक्ट्रॉन विन्यास आता है 3d10 4s2, तो 4s1। ठीक है, अब इसमें देखते हैं पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राथमिक आयनन एंथैल्पी, दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा द्वितीयक आयनन एंथैल्पी, द्वितीयक आयनन ऊर्जा। तो जनरली अपन देखते हैं प्राथमिक आयनन की तुलना में द्वितीयक आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है, परंतु वो डिपेंड करता है उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी निर्भर करता है।
जो क्रोमियम का है पहला इलेक्ट्रॉन किस श्रेणी का, 4s, 1s, कॉपर में किस श्रेणी का, 4s, 1b, परंतु जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्रोमियम में निकलेगा 3d5 में और कॉपर में निकलेगा 3d10 में। यहां पर कैसा है, अर्धपूरित, और यहां कैसा विन्यास है, पूर्ण पूरित स्थायी विन्यास होने के कारण 3d5 और 3d10 स्थायी विन्यास होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलता है। यही कारण होता है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में कॉपर और क्रोमियम की द्वितीयक आयनन ऊर्जा का मान प्राथमिक आयनन ऊर्जा की तुलना में बहुत अधिक होता है। तो यह था अपना परमाणु आकार और आयनन ऊर्जा के दो पॉइंट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।